वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा गैली है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, है ना। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्ट है इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट उस टाइम पे, ठीक है। ये एक्ट जो है खुद में दो एक्ट्स में डिवाइडेड है, खुद ये दो सेपरेट एक्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा पहला है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कितने सेक्शंस हैं, 321 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 10 शेड्यूल्स हैं, ठीक। और किस में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, इन दो पार्ट्स में ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड है, ठीक। अब इस एक्ट की स्थापना कैसे हुई या फिर किन चीज़ों के रिजल्ट के बाद ये एक्ट लाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो गई, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, जो वाइट पेपर पब्लिश हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा थर्ड राउंड टेबल के बाद उसमें, और जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग सब मीटिंग्स थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उन सब के बाद जो है इस एक्ट को गठित किया गया, ठीक है। द सुप्रीमेसी, अब इस एक्ट के बाद हुआ क्या कि सुप्रीमेसी जो थी ना भारत में, इस एक्ट के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही रही, ठीक। कोई भी इंडियन लेजिस्लेचर, चाहे वो फेडरल हो या फिर प्रोविंशियल हो, उसको कोई ऑथराइजेशन नहीं थी कि वो मॉडिफाई या अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये सुविधा केवल और केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही दी गई थी, ठीक है। ये था कुछ ब्रीफ का, पिछले सेशन का हमने देख लिया, रिविजन कर लिया। अब पढ़ते हैं आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। इसने क्या किया, इसने ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों की यूनिट्स को लिया गया, मतलब दोनों को लिया गया किसके फॉर्मेशन के लिए, ऑल इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स, इसने क्या किया, पावर को जो है डिवाइड किया बिटवीन सेंटर और फेडरल यूनिट्स में, तीन फेडरल यूनिट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या कैसे डिवीजन हुआ, फॉर सेंटर विथ 59 आइटम्स, प्रोविंश आइटम्स या फिर हम यूनिट्स कह सकते हैं, फिर प्रोविंशियल लिस्ट आई, फिर आपकी आई कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे करके फेडरल लिस्ट जो थी आपकी उसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस के लिए था 54 आइटम्स, कॉन्करेंट लिस्ट जो वो दोनों के लिए था उसमें कितने आइटम्स थे, 36 आइटम्स थे। तो टोटल पावर कैसे डिवाइड हुई, सेंटर में डिवाइड हुई, कैसे, तीन उसमें, तीन जो है यूनिट्स में या तीन लिस्ट में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर वेयर गिवन टू द वॉइसरॉय, जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो सारी किसको दे दी गई, वॉइसरॉय को। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। अब क्या हुआ, फेडरेशन का गठन तो हो गया पर वो कभी जो है हम कहेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी उसको ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक। इट वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द फेडरेशन। अब ये जो है हम ये कहेंगे अनिवार्य तो था नहीं प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि आपको फेडरेशन ज्वाइन ही करना है, तो उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया तो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, ठीक। अब जो डायरकी थी, ठीक है, जो डायरकी सिस्टम था जिसको हम डबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसने क्या किया था, पार्ट्स को डिवाइड किया था सेंटर और स्टेट में तरीके से, उसका क्या किया, इसने एबॉलिशन कर दिया, कहाँ पे, प्रोविंस में, प्रोविंस में जो है इसने डायरकी सिस्टम का क्या किया, इस एक्ट ने एबॉलिशन कर दिया, हटा दिया, और क्या इंट्रोड्यूस किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, डायरकी वॉज एबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम। अब क्या था, गवर्नर हेड होते थे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनके पास, जो उनको एडवाइज करते थे, द मिनिस्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हु कंट्रोल देम, द लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स, However, the governor still remained special reserve power. Retain special reserve power. The British authorities could still suspend a provincial government. अब क्या था कि जो council of ministers थे वो किसको responsible थे, मतलब वो governor की करते थे, responsible किसको थे, provincial legislature के। गवर्नर के पास जो है बहुत सारे कैसे थे, स्पेशल पावर्स जो है उसके पास जो है रिजर्व रहती थी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गवर्नर क्या था, हेड था, ठीक है। प्रोविंस में क्या था, गवर्नर हेड होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का तो हेड होता ही था पर वो हेड होता था, ठीक। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब
प्रोविंस में इसने डायार्की को क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया, प्रोविंशियल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, वहाँ पे गवर्नर हेड होता था, पर सेंटर पे इसने डायार्की रहने दी। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ डायार्की एट द सेंटर, डबल गवर्नमेंट का प्रावधान इसने केंद्र पे रहने दिया यानी सेंटर पे रहने दिया। हाउएवर दिस प्रोविजन डिड नॉट कम इन टू इफेक्ट एट ऑल, सब्जेक्ट्स अंडर द फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू टू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। हमने पहले पे इस चीज़ को डिस्कस किया है कि डायार्की जो है भले सेंटर पर थी पर वो कभी इफेक्ट नहीं की। हमने क्या डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट्स जो हैं फेडरल, वो पहले भी दो पार्ट्स में डिवाइड हमने देखे थे फेडरल लिस्ट में, कैसे सेंट रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में क्या होता है, गवर्नर जनरल उसको एडमिनिस्टर करता है, किसकी मदद से, तीन काउंसलर जो अपॉइंट करते हैं करता है वो खुद। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल किसको नहीं होते हैं, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ठीक, रिजर्व सब्जेक्ट्स वो है आपका डिफेंस, चर्च रिलेटेड इश्यूज, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कि रिजर्व में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ट्रांसफर्ड में कौन कौन से आते हैं, ये सारे बहुत मेन है। ठीक, ट्रांसफर्ड वेयर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक, द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट इन दिस इंक्लूडेड लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। हाउ एवर द गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑल्सो। अब क्या था कि गवर्नर जनरल क्या है, उसके पास एक स्पेशल पावर होती थी जिसमें वो इंटरफेयर कर सकता था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे भी। ठीक, ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके कौन एडमिनिस्टर करता था, गवर्नर जनरल तो करता ही था अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, पर वो क्या करता था, उसके पास एक स्पेशल पावर होती थी जिसमें वो कुछ हम कह सकते हैं इंटरफेयर कर सकता था, कुछ चेंज भी कर सकता था ट्रांसफर सब्जेक्ट में। ठीक, तो ये था डायरकी एट द सेंटर, जो अडॉप्शन किया फिर उसको कोई इफेक्ट, मतलब हम कहेंगे कि कोई इफेक्ट आया नहीं, वो कभी इफेक्ट में आया ही नहीं। ठीक, जो सब्जेक्ट्स थे फेडरल लिस्ट में वो दो भागों में डिवाइड हो गए, रिजर्व और ट्रांसफर्ड में। रिजर्व में हमने देखा कौन कौन से थे, ट्रांसफर्ड में हमने देखा कौन कौन से थे। अब बाइकार्मलिज्म जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।